subscribe to Shemaroo Shorties and click the bell icon to never miss an update. आप तो ये जानते ही होंगे कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। जी जी। पर शायद आप ये नहीं जानते हैं कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी हूँ। टू इन वन। बापी पेट का सवाल है। महंगाई बहुत बढ़ गई ना आजकल। सिर्फ इडली खाकर थोड़ी ना जी सकते। खेल खत्म। छोटी सी फूल जैसी बच्ची थी, उसको मार दिया। अरे तूने ही तो पैदा किया था ना, मारने के लिए पैदा किया था क्या? चढ़ा दिया सूली पर उस बच्ची को, जात पात के नाम पर। वाह रे समाज के ठेकेदार, वाह। इसका बयान रिकॉर्ड कर लो। यस सर। पांच तलोल का तूना लगाया है उस पुलिस वाले चोर नायदू ने मेरे को। और एक हफ्ते तक किधर दिखता भी नहीं है, और उसने साफ साफ लफ्जों में बोल दिया है मेरे को जो उसका उखाड़ना है उखाड़ना है। उखाड़ना है? हाँ उठा लो, लेकिन मैं पैसा नहीं देगा। ए साले तोतले डॉन, तेरे 5 करोड़ मेरे पास है, अब वो मेरे, जा नहीं देता। जो उखाड़ना उखाड़ ले, ज्यादा नाटक किया ना तो बीच बाजार में तेरा एनकाउंटर करूंगा, समझ लो। बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? दे तो, अगर वो बच गया तो मेले को दानते माल देगा। इविल तिल में मेले को मेला 5 तलोल चाहिए और उस नायडू की लात। अब ये कौन सा लात है? लाश, लाश। अच्छा आ? तो पुलिस वाले का मर्डर करना है। 10 लाख लूंगा बच्चन सर। 10 लाख? अंदर जाओ, ताला वाला बैग है, उसमें 10 लाख रुपए है, उतार के दे जाओ। पल पल की तबल होनी चाहिए। ओके बच्चन सर, मैं हर पल आपको फोन करके बताता रहूं। थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं? तुमको पैसा दे रहा हूँ, पैसा चाहिए ना? हाँ वही तो दे रहा हूँ, तुम क्या समझी? इसको दिल लो, बिल्कुल बराबर है। ये क्या बच्चन साहब, आप भी शर्मिंदा कर देते हैं। शाम को ऐसा दान करना कि चारों तरफ जलवा 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 हो जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मधु का जलवा जब बोलता है ना तो सर चढ़ के बोलता है। एंड यू नो दैट। बाय द वे, ये आदमी कौन था? बड़ा घूर रहा था। आदमी नहीं था, पजामा था। पजामा मेरा पुराना दोस्त सीबीआई ऑफिसर है। लेकिन तुम उसकी तरह मत देखो, चलो मेरी तरह देखो और अभी जाओ। ओके। यस नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा नाम रजनीकांत राव, सीबीआई ऑफिसर हूँ। नायडू है घर पे? वो तो पिछले 3 दिनों से घर पे नहीं आया है, मैं खुद परेशान हूँ उसके लिए। आप अंदर तो आइए ना प्लीज। जी। सब ठीक तो है ना बेटा? कोई फिकर की बात नहीं माँ जी, एक केस के सिलसिले में नायडू से मिलना चाह रहा था, पर आप बता रही कि वो 3 दिन से गायब है। हाँ ऐसा तो कई बार हो चुका है, मगर उस वक्त कम से कम हरी फोन तो कर दिया करता था। कमाल है। तुम बैठो ना, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं माँ जी, बस एक ग्लास पानी पिला दीजिए। अच्छा माँ जी, कोई आइडिया कि नायडू से कहाँ मुलाकात हो सकती है? अच्छा मुझे हैदराबाद जाना था। ओह, आप योगेश सिंह को पहचानते हैं? वो बता पाएगा कि हरी कहाँ है। काश मेरी भी आप जैसी दिखने वाली माँ होती। तो बेटे मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना? माँ जैसी हो ना, माँ तो फिर भी आप नायडू की हो। हेलो हेलो बच्चन साहब। बच्चन बोल रहा हूँ। हरिप्रसाद वेंकटेश अपनी कर खुद 3 दिनों से नहीं आया। क्यों? पता नहीं। तुम्हें किसने बताया? उसकी माँ ने। तुमने क्या किया? उसको गोली मार दी और क्या। जाहिर सी बात है बच्चन साहब, उसने मेरा चेहरा जो देख लिया था ना। चेहरा देख लिया था, उसकी माँ को मार दिया। अब काम करते वक्त अगर किसी ने मेरा चेहरा देख लिया या मुझे कोई ऐसे सिचुएशन में देखे जिससे मुझे कोई डेंजर हो, तो मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ता बताइए। हाँ इस बहाने आप मेरे पैसे कम ना कर देना प्लीज। अभी तिलक नायडू पे कॉन्सेंट्रेट कर, उसको पकड़ और पैसा लेके मेरे पास आ जा। ड्राइवर गाड़ी निकालो,
क्यों हानि कहती मुझसे शादी के लिए? मुझ पे भरोसा नहीं तुझे? तुम फिर से शुरू हो गए? मैं वादा करता हूँ कि मेरी माँ भी इस पसंद को लेकर बहुत खुश होगी। मुझे वाकई तुझसे बहुत प्यार है मलू, तेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अरे बाबा, मैं जानती हूँ तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे, लेकिन बुराई मुझ में है, तुम में नहीं। फिल्मों में देखने के लिए ये प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा लगता है, पर हकीकत कुछ और है। इस हकीकत को मैं एक नया चेहरा दूंगा, बदल दूंगा सब कुछ। ये बैग दिख रही है? तुझे पता है उस बैग में क्या है? हाँ, तेरा और मेरा आने वाला कल, पूरे 5 करोड़ हार्ड कैश। 5 करोड़ रुपए? हाँ, जिसे लेकर हम यहां से बहुत दूर चले जाएंगे, तुम, मैं और मेरी माँ। मैं नौकरी भी छोड़ दूंगा, एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। अरे नई जिंदगी की शुरुआत तो कर लेंगे, लेकिन मेरे पुराने भूतों को कैसे भगाएंगे? इतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। पता है मेरा सपना क्या है? इस होटल में जितनी भी लड़कियां हैं जो धंधा करती हैं, मेरे गांव भानपुर से लाई गई हैं। मैं इतना पैसा कमाना चाहती हूँ, इतना पैसा कमाना चाहती हूँ कि गांव जाकर उन लड़कियों को शिक्षा दूं, अच्छी तालीम दूं और ठान लूं कि मेरे गांव से पढ़ लिख कर एक भी लड़की इस होटल में आकर धंधा नहीं करेगी। ए नायडू सर, उठिए, काम पे नहीं जाने क्या? नायडू सर, नायडू सर, मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर। आज पूरे 2 दिन हो गए, ना नायडू ने मेरा कॉल लिया और ना उसने मुझे कॉल किया। हाँ, कुछ बड़े कंसाइनमेंट की बात जरूर कर रहा था, लेकिन क्या कंसाइनमेंट उसने मुझे नहीं बताया। अरे योगेश, यही कंसाइनमेंट की बात अब दिल्ली तक पहुँच चुकी है, ऊपर से ऑर्डर्स है। या तो मैं नायडू को पूछताछ करूँ या तो फिर उसे अरेस्ट करूँ। बिल्कुल ऑर्डर्स तो होंगे ही सर, इसीलिए तो CBI को यहाँ भेजा गया है। मैं क्या समझता नहीं सर? अरे हाँ, याद आया सर, आप होटल कोहिनूर गए थे? होटल कोहिनूर? होटल होटल क्या, होटल के नाम पर अय्याशी का अड्डा, लीगल इनलीगल लाइसेंस के साथ। बड़े बड़े मिनिस्टर होटल कोहिनूर जाते हैं, अन्ना शेट्टी नाम का कोई पावरफुल बंदा है, होटल वही चलाता है। अगर नायडू आपको कहीं ना मिले तो होटल कोहिनूर में जरूर मिलेगा। जरा एक बात बताइए। हाँ साहब, बोलिए। अच्छा, यहाँ पे इतना भीड़ क्यों? सलमान खान आया क्या इस होटल में? अरे नहीं साहब, इस होटल के कमरे में एक पुलिस अफसर की लाश बरामद हुई है, इंस्पेक्टर नायडू। कौन रहे तू? CBI ऑफिसर हूँ। चलो अन्ना, इससे पहले कि मैं तुझे अपनी घन्ना दिखाए, पूरी रामलीला बता दे। नायडू यहाँ पे क्यों आता था, किस लिए आता था, किसके साथ सोता था, किसके साथ उठता था, सब कुछ वगैरह वगैरह। वो नायडू साहब वो मल्लिका के लिए आता था। ये नायडू के पास कोई सामान था क्या, कुछ बैग वगैरह? मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, जाओ अब मल्लिका का पता, फोन नंबर, तस्वीर, सारी चीजें ले आ जाओ। आयो। ला 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 ला, फोटो 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 ला फोटो। अन्ना, सारी जिंदगी तुमने लड़कियों को सुला सुला कर, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर उनकी कमाई खाई है, ये सोच के ऊपर जाते वक्त अब तो क्या मुंह लेकर जाएगा? ए, पान तलोल मेला, पान तलोल। हाँ वही बता रहा था मैं, यहाँ पे आया तो मुझे ये पता चला कि इस होटल में मल्लिका नाम की एक लड़की है, और जब से हरिप्रसाद वेंकटेश मरा है ये लड़की भी गायब है।
मेरे को लगता है कि ये लड़की आपके 5 करोड़ लेके कहीं जा रही है। ये भानपुर गांव की रहने वाली है और फिलहाल हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर है। लगता है शायद वो ट्रेन पकड़कर भानपुर जाने के लिए तैयारी कर रही है। कैसी है मलिका? मैं ठीक हूँ, माफ कीजिए मैंने पहचाना नहीं आपको। लो, अब तो आप ये भी बोलेंगी कि आप अन्ना शेट्टी को नहीं पहचानती। नहीं, अन्ना को तो मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, पर आपको पहली बार देखी। वो इसलिए क्योंकि मैं होटल कोहिनूर सिर्फ 2 ही बार गया हूँ, और वहाँ पे वो लड़की भी हुआ करती थी, पतली सी मधु। हाँ, बाय द वे नाम क्या है आपका? रजनीकांत, रजनीकांत राव। रजनीकांत, इस हिसाब से तो पूरी दुनिया आपको जानती होगी। काम क्या करते हैं आप? मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ और एक केस के सिलसिले में भानपुर तक जा रहा हूँ। मुझे एक कॉल करना है। क्यूस क्यूस मी। वो मैं भी एक फोन करने गया था। और सुनाइए गजोदर, कैसे हैं आप? गजोदर, मेरा नाम रजनीकांत है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम अपने ग्लेव्स यानी कि चश्मे ऐसे 2 मर्तबा हाथों में घुमाकर पहनते हो? मैं 2 मर्तबा घुमाकर क्यों पहनूंगा, मैं तो सीधा पहनता हूँ। काहे के रजनीकांत हुए यार तुम? किस बात के रजनीकांत हुए? मैं पानी लेकर आती। सो जा तू, सो जा, जब ट्रेन आएगी तब उठा दूंगी तुझे, चल सो जा। ये भी ठीक। बच्चन साहब, लगता है ये लड़की पागल है, मुझसे बड़ी अजीब और गरीब सवालात करती है। पहले तो ये मेरे नाम से मुझे पुकारती नहीं है, बोलती है मैं रजनीकांत नहीं हूँ। तेरे को रजनीकांत क्यों नहीं समझती? बच्चन साहब, पता नहीं, या तो ये लड़की पागल है या तो बहुत ही ज्यादा समझदार। ये जो लड़की है ना, ये तेरे को बेवस्तूत बना रही है, बेवस्तूत। बच्चन साहब, ऐसे लग रहा है कि कोई उस लड़की का बैग चुरा कर भाग रहा है। वो क्या चाहिए भाई साहब? वो बैग, जिस बैग के पीछे मैं सुबह से लेके भाग रहा हूँ, बोले कि तू भाग रहा है। यानी कि ये बैग? बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंभुनाथ। ए शानी, आराम से आराम से। पहले मेरे मोबाइल में तो देख लो मैंने तुम्हारे लिए सेव क्या करके रखा है। क्या मतलब? आप जब उस आदमी से बैग छीन रहे थे, उसको गोली मारने के बाद, मैं दूर खड़ी होकर ये सब नजारा इसी मोबाइल फोन में कैद कर रही थी। ये वीडियो मैंने अपनी फ्रेंड मधु को व्हाट्सएप के जरिए भेज भी दिया है, और उसको ये भी बोल दिया कि अगर मैं भानपुर सही सलामत नहीं पहुंची तो ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा दे। बाय द वे, ये वही मधु है जिसके साथ आप होटल कोहिनूर में 2 बार बैठ चुके हैं। मैं जब ये पैसों का बैग लेकर निकली थी, सबसे पहले मैं नायडू सर के घर पहुंची। वहां जाकर मैंने देखा कि उनकी माँ को भी किसी ने गोली मार दी। मैं तभी समझ गई थी कि इन पैसों के बैग के साथ साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत भी चल रही है।
अन्ना और नायडू सर की माँ को आप ही ने मारा था ना? हाँ। देखो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक ये कि ये पैसा तुम लो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, गोली मारो, ये बैग लेके जाओ, जिस किसी का भी है उसको लौटा दो, लेकिन बचोगे तुम भी नहीं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता ये कि इस बैग में से 1 करोड़ रुपए निकालो, लो चले जाओ, मुझे भूल जाओ, और अपने बॉस से कह देना कि लड़की भाग गई पैसे लेकर। आइए बैठिए, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं, मेरे पास एक प्लान है। प्लान कुछ सॉलिड बताना मलिका, ये पैसे जिनके वो बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ है, वरना इतने सारे पैसों का भरोसा नायडू जैसे ऑफिसर पे क्यों करे, और वो भी वो पुलिस वाले जो पैसों के नाम पे बदनाम है। भाई ये क्या? क्या है बे? भाई रात के वक्त चश्मा। वही मैं बोलूं साला, रात में भी अमावस क्यों लग रही है? वैसे भी भैया ने बोला है इससे पहले साला हम सबको मौत की घाट उतार दे, इसको एयरपोर्ट छोड़ के आते ताकि हैदराबाद चले जाए। चलो चलिए मैडम, बैग लाइए दीजिए। वैसे भी जब से बहुत नचा है आपने। अरे भाई क्या कर रहे हो? चलिए। नहीं नहीं नहीं, क्या है ना, तुम्हें गलतफहमी होगी, ये वो लड़की नहीं है जिस लड़की के साथ हम आए थे, जिसका पीछा मैं कर रहा हूँ वो नहीं है, मेरी दोस्त है, सीबीआई ऑफिसर है यहाँ बालकृष्णन। क्या बात कर रहे हो, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताया रजनी? हाँ, भाई कैसे बताता, तुमने तो बोलने के लिए मौका ही नहीं दिया, गुलशन ग्रोवर की तरह चले आ गए गाड़ी में बिठाने। गलती हो गई भाई, माफ कर देना। गलती नहीं यार, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता अगर इस लड़की को पता चला कि तुम लोग कौन हो और मेरा असली रूप क्या है, तो फिर हम सब मारे जाएंगे। भाई को बता दो। नहीं नहीं भाई प्लीज, भैया से मत कहना प्लीज, रजनी भाई प्लीज प्लीज। इसके पहले एक औरत को देखे थे ना तुम, बच्चे हाँ, के साथ? हाँ। वो इसकी बड़ी बहन है, ये लोग सब अहमदाबाद जा रहे हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अच्छा। तो मैं इस लड़की के साथ फंस गया, और जिस लड़की का पीछा मैं कर रहा था, जिसके पास अपने पैसे थे, वो तो भागी। भाई अब इस गलती को कैसे सुधारे भाई, वहाँ भैया ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर रखा है, कहते हैं जब तक आप हैदराबाद नहीं पहुँच जाते वो बाथरूम से बाहर नहीं निकलेंगे, पैसे तो वैसे ही मिलने से रहे। बस ठीक है तो मैं चला जाता हूँ हैदराबाद, आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ देना। हाँ। एक काम करता हूँ, मैं इस लड़की को बोल देता हूँ उसके पहले आप लड़कों को लेकर गाड़ी में बैठ जाइए। हाँ, हाँ, ये चलो 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 गाड़ी में बैठो, रजनी भाई को एयरपोर्ट छोड़ना है। अब मुझे जाना है। जाना जरूरी है क्या? अच्छा मुझे कौन संभालेगा? एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है इस बैग को कौन संभालेगा? हमारी बात हुई थी ना कि भानपुर जाने तक तुम इसको संभालोगे। इनको बेवकूफ बनाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे हैदराबाद तक जाना ही पड़ेगा, पर मैं वापस आऊंगा, मेरे नाम की इज्जत जो रखनी है। इसे भी लेते जाओ, ये तुम्हारे पास ही रहने दो, और तुम्ही ने तो कहा था ये तुम्हारे पैसे हैं। I'll wait for you. मैंने एक बार कह दिया तो 100 बार कहने का समान है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चन साहब तो नाइट मैच खेल रहे थे, तो अपने आप को बाथरूम में क्यों बंद किया? प्लीज खाना खा लीजिए। नहीं खाऊंगा। हाँ, मैंने कहा ना खाना खा लो। मुझे एक बात बताओ, वो रजनीकांत हैदराबाद चला गया? जा रहा है, है? मुझे ताना ताना है, ताना ताना है। इन दोनों के चक्कर में हम खास आदमी एकदम आम आदमी हो गए हैं।